हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संजीव, आप देख रहे हो रेवास। इस वीडियो में हमें HSN कोड आइटम के अंदर कैसे डाल सकते हैं या कैसे एंटर कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हमें देखेंगे। शुरू करेंगे दोस्तों, वो एक्टिवेशन कैसे करना है। फर्स्ट हमें इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन वो जो होता है, हमें कहाँ आइटम्स के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, वो होगा नेक्स्ट। उसके बाद स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम वो जो होता है, हमें कहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, तो हम अभी आइटम्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसके अंदर HSN कोड कैसे एक्टिवेट करते हैं देखेंगे। फर्स्ट वो प्रोडक्ट के बारे में हमें जानना है, वो प्रोडक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो आप बैग बेचने वाले हैं या बैग का दुकान है आपका, तो आप बैग का एक आइटम क्रिएट कर रहे हो, बैग। उसके बाद वो तो बैग है इसमें, सो इसलिए नहीं ले रहा है। तो बैग छोड़ के हमें क्या लेंगे, मोबाइल लेंगे, मोबाइल। उसके बाद वो तो मोबाइल प्रोडक्ट प्राइमरी के अंडर में रहेगा, उसका यूनिट से नंबर्स। उसके बाद GST एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल होगा इसलिए हमें वो एप्लीकेबल ही रख देंगे। उसके बाद सेट आल्टर GST डिटेल, वो क्या है, तो हमें यस करना है। उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। तो HSN सैक डिटेल्स है, टैक्स रेट का डिटेल्स है, इसमें डिस्क्रिप्शन ये होगा, वो गुड्स के बारे में है। तो वो तो सैमसंग मोबाइल, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो सैमसंग मोबाइल का HSN कोड ए होगा 2536, ये 4 डिजिट का भी होगा, 6 डिजिट का भी होगा, 2 डिजिट का भी होगा या 8 डिजिट का। 8 डिजिट ये तो फाइनल HSN कोड है, इसका तो 4 डिजिट है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, वो तो परफेक्टली इतना ही होगा, वो नहीं होगा। तो HSN मोबाइल डिस्क मोबाइल का वो तो क्या है, HSN कोड है, वो तो अलग होगा। तो हमें भी कैलकुलेशन टाइप तो ऑन वैल्यू में लेंगे। उसके बाद वो तो गुड्स टैक्सेबल है, तो इंटीग्रेटेड सेल्स, वो तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है इंटीग्रेटेड सेल्स तो क्या होता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को भी टैक्स मिला के इंटीग्रेटेड सेल्स होता है। सो अभी हमें इसके मोबाइल के ऊपर हमें 18% टैक्स लेंगे, तो वो तो इंटीग्रेटेड, वो तो नाउ इट मीन्स 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। इट मीन्स इसका मतलब है SGST एंड CGST। CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, SGST तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट जाएगा। ऐसे ही हमें ये दो हुए के बाद सेस तो हुए तो दे देंगे, नहीं तो नहीं। तो अभी ऐसे एंटर कर दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स एंड रेट ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ 18% ऑफ दिखा सकते हैं। सो अब इसका ये प्रोडक्ट का हो गया। और एक प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, वो तो बैग हो गया, और इसके और एक मोबाइल भी हो गया। तो उसके बाद मैं एक चेयर उसका भी, वो तो हमें नंबर लेंगे, एनेबल सेट आल्टर GST डिटेल्स यस कर देंगे, डिस्क्रिप्शन प्लास्टिक चेयर, HSN कोड 258147, नेक्स्ट ऑन वैल्यू, उसके बाद टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर भी 18%, ये तो गुड्स हो गया, 18% लेंगे। उसके बाद ये भी हो गया, उसके बाद और कुछ प्रोडक्ट लेंगे अभी, कप, तो कप आपका मालूम है ऑलरेडी,
तो एनवॉइस वो तो महंगाई का प्लेयर है ना, इसलिए उसके ऊपर 18% नहीं, 8% लगेगा। यस डिस्क्रिप्शन हाउस यूज का। इसके बाद HSN कोड ए होगा इसका, 4785236। फाइनल ए होगा। ऑन वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, टैक्सेबल रखेंगे। इसके ऊपर 20.8% ले रहे हैं, इट मीन्स 14% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का 14%, स्टेट गवर्नमेंट का 14%। ये भी इसका भी हो गया। हम अभी ऐसे इट मीन्स एंट्री कर सकते हो या आइटम, वैसे ही HSN कोड उसके अंदर GST रेट का भी हमें एंटर कर सकते हैं। ऐसे हम ही आइटम क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ तो आपका डाउट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे।